हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देख ले। तो निफ्टी हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी हमें आने वाले टाइम में 22,200 तक का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है, जो कि 200% का लेवल है। यहाँ पे वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन चल रहा है जो कि एक्सटेंडेड वे में है। तो आज निफ्टी थोड़ा फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा अप मूव के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। हमारा जो स्ट्रैटेजी होगा वो बाय ऑन डिप का होगा। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आपको ऑप्शन चेन के अंदर ये देखने को मिलेगा कि जो भी पोजीशन बनाई गई थी वो सारी पोजीशन क्लोज कर दी गई है। मतलब मैक्सिमम इंट्राडे की पोजीशन बनाई गई थी वो क्लोज कर दी गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी पोजीशन आपको क्लोज होती हुई दिखाई देंगी। जो भी कॉल राइटिंग की पोजीशन बनाई गई थी वो डे एंड पे क्लोज कर दी गई। पुट राइटिंग की भी पोजीशन क्लोज की गई है। बट ओवरऑल अगर देखें तो स्टिल 22,000 पे पुट राइटर्स एक्टिव है। यहाँ पे सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पे वापस से पुट की एडिशन होनी स्टार्ट हो गई थी और ये अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमें एक रिबाउंड देखने को मिला निफ्टी के अंदर फ्रॉम लोअर लेवल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको स्टिल जो डेटा पॉइंट है, जो ऑप्शन चेन है, वो थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम यहाँ पे बाय ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। अगर निफ्टी मान लीजिए इस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है, कल फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलता है, तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं 22,200 के लिए। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, वहां पर ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा और वो थोड़ा ज्यादा फेवरेबल ट्रेड हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने डिस्कस किया था कि वेव थर्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ये करेक्शन होकर वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन चल रहा है। तो अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वन है, ये टू है, ये वेव आपका थर्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो एक करेक्शन यहाँ था कि एक हमें थोड़ा डिप देखने को मिल सकता है। 61.8% का लेवल रीटेस्ट करके इमीडिएट बाउंस किया। मैंने यहाँ पे कॉल बाई करने के लिए प्लान की थी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, बट क्योंकि मैं स्टॉप लॉस काफी छोटा रखता हूँ तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये डिटेल दिख जाएगा जो मैंने कॉल बाइंग की स्ट्रेटेजी जो वहां पे मैंने शेयर की थी कि मैं 48,300 का कॉल बाई कर रहा था। लगभग 120 रुपये के आसपास में इसको बाई किया था और 125 रुपये के आसपास में और 120 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जो कि मैं देखे एग्जिट हो गया। बट बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, इसके बाद इस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है 81% के ऊपर, जो कि 48,323 का लेवल है, जहां से हमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी एक मोमेंटम में दिख सकता है। इसके बाद सीधा बैंक निफ्टी हमें 48,600 मतलब 300 पॉइंट का हमें यहाँ पे मूव, देन आफ्टर 48,800 तक का मूव हमें इजिली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को भी हम बाई के लिए प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता 61.8% के नीचे तब तक हम के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अभी वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन सबड्यूड है, तो यहाँ वेव फिफ्थ बनने के चांसेस है जो कि 49,000 के आसपास का लेवल निकलता है। तो बैंक निफ्टी में भी हम बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करेंगे। स्टॉक्स की बात करें तो सोम डिस्टिलरी SDBL यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम शूट अप हो रहा है काफी अच्छा, आपको वॉल्यूम में यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। ये कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन, ये लो लगा, ये लो लगा, मतलब कोई भी लो जो है वो प्रोटेक्टेड है, वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे करेक्शन आने के बाद एक नैरो रेंज में प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन भी आता हुआ दिखेगा जिसका यहाँ पे अगर कल ब्रेकआउट होता है या फिर स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे में हम 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे इंट्राडे में, 1:2 के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एशियन पेंट मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था कि मैं जनरली FNO के स्टॉक में ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट मुझे इसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो डिस्क्लेमर, ये मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो यहाँ पे एक करेक्शन चल रहा था, WX यहाँ पे Y का फॉर्मेशन हुआ, ये XX ये Z का, यहाँ पे तो करेक्शन पूरा होता दिख रहा है। प्लस आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट देख के बिल्कुल नेकलाइन के ऊपर से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो कल अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है और 3,305-3,310 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इससे 10 रुपये का स्टॉप लॉस ऊपर 1:2 के लिए हम इसको फ्यूचर मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, बट हम थोड़ा वेट करेंगे, या तो ये स्विंग ब्रेक होता तो हम शॉर्ट करेंगे या फिर हमें यहाँ आने के बाद कोई प्राइस एक्शन दिखता तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टिल ये रडार पे है तो ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ आने के बाद कोई प्राइस मिलता या फिर ये स्विंग ब्रेक होता है तो फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्री भी कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे शॉर्ट के साइड ट्रेड लेंगे, काफी अच्छा होगा। यहाँ पे इस जगह से अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट करके इस लेवल को बाउंस किया, आज भी इसको ब्रेक किया बट इमीडिएट यहाँ पे एक हैमर का कैंडल बना इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो कल मान लीजिए इस स्विंग के नीचे निकलता तो एक बार वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है 575 तक ही आने के चांसेस। तो हम इसको भी शॉर्ट करके चलेंगे, ऊपर में 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस, नीचे 1:2 के लिए हम इसको भी प्लान करेंगे। अगर हम बात करें ACC की तो ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, आज
एसीसी में अगर 61.8% मतलब कि 2330 के नीचे अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो तो ये फिर थोड़ा लाइक यहाँ पैटर्न थोड़ा खराब होता हुआ दिखेगा। तो डेली चार्ट में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है और प्लस प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखेगा। तो डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा एक प्राइस एक्शन बन रहा है। तो कल अगर मान लीजिए स्लो को ये ब्रेक करता है एक बार हमें फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल सकता है लगभग 2170-2175 तक के लिए, तो फिर इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में हम यहाँ 10 से 15 रुपये का स्टॉप मार्केट के अंदर 10 रुपये का स्टॉप लगाएंगे और नीचे 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। ये कोशिश करेगा कि यहाँ ब्रेकआउट आया था इस स्विंग को रिटेस्ट करें, यहाँ तक हम अपना टारगेट अचीव हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।